सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंच परमेश्वर मतलब पंच जो आपकी सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस पंच सीरीज़ में क्या होगा, हम एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे उसके 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे उसके 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी अगर आप कहेंगे तो पहले ये सेशन अटेंड करिए, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दीजिएगा, रिस्पॉन्स करेगा कि आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए या नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, वेरिएशन आएगा आपका, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे और हर एक सब्जेक्ट में हर एक फील्ड में आपको जो है वो देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारी ई बुक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। बाकी जो हमने जून मंथ की करंट अफेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने वो नहीं ली है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हमने लिंक ऑलरेडी सेंड कर दिया, तो वहाँ से भी आप जून मंथ की फ्री ई बुक आप ले सकते हो। ये वाली जो ई बुक आपको दिख रही है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इसमें आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो सब हमने कवर कर रखा है और उसका करेक्ट अप्रोच क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, कम समय में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए जिससे आपका टाइम सेव हो और आप वो टाइम किसी अदर क्वेश्चन में लगाएं जहाँ पे उस टाइम की ज़रूरत हो। इस अप्रोच के साथ हमने आपको चीज़ें दे रखी हैं, इसमें आपको करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स या आप इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, इसके भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं वो हमने करवा रखा है। 2 मास्टर वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कंप्यूटर की टॉप नॉच फ्री ईबुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ को अवेल कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें आपको चीज़ें देखने को मिले और जैसे ही आप इस चीज़ को कवर करोगे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको खुद में लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ओके, वैसे तो YouTube पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं बट क्योंकि ये थोड़ा सा ईबुक हमारी जो है एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से हमारे लिए, तो इसमें हमने कुछ एफर्ट्स भी लगाए। ओके, सो अगर आप चाहें तो एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो हमारा पंच सीरीज़ का पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का, तो इस हिस्ट्री के पहले 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा उसके 5 क्वेश्चन, पंच सीरीज़ का मतलब यही है। ठीक है, पंच परमेश्वर के दर्शन। तो चलिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा अगर आपको तो वीडियो पूरा देखिए, फिर उसके बाद लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा, तभी जो है आने वाली क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डेथ अकर्स, लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। हो सकता है कि इसमें हमने क्वेश्चन जो है वो पहले से भी करवाए हों बट हम क्योंकि अब यहाँ पे नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से लेकर चलेंगे, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और आने वाली सीरीज़ अगर आप कहोगे कंटिन्यू करने को तो हम आगे भी हर एक तरह का हर एक फील्ड को कवर करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा का जो डेथ हुई था, अगर आपने ऑप्शन चुना है ऑप्शन डी कुशीनगर, तो येस यू आर राइट, कुशीनगर में जो है लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी और इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉर्ड बुद्धा का, हमने कवर कर रखा है डेडिकेटेड वीडियो, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। CUET में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपके में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बुद्धा जी से क्वेश्चन बनेगा। राखी गढ़ी ये जो आपकी साइट है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये CUET में भी क्वेश्चन आया था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो अगर आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन यू आर राइट, हरियाणा में आपकी जो है राखी गढ़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धा बिलोंग्स टू विच क्लैन, गंत्रिका, मौर्या, कुरु या फिर साक्य। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर आप चूज कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी नहीं डी, अगर आप डी ऑप्शन चूज कर रहे हो साक्या, देन यू आर राइट, साक्या से यहाँ पे बिलोंग करते थे बुद्धा जी। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धा का मतलब क्या होता है, बुद्धा मीन्स रिलीजियस प्रीचर, पावरफुल, जीनियस या फिर द एनलाइटेंड वन। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन डी द एनलाइटेंड वन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और जो पहला हमारा पंच है हिस्ट्री का उसका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ, मेगास्थनीज एक ग्रीक रूलर था, कैसा रूलर था ये भी क्वेश्चन आता है, तो ग्रीक रूलर था, किसके दरबार में आया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्धा, कनिष्का या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर भी आपने देख लिया है,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटी का आपका जो दूसरा पंच हमारा यहाँ पे है, पॉलिटी से आपके पांच पंच अगेन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर वन, पंच नंबर वन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की एट द सेंटर, किस एक्ट ने डायरार्की की बात की थी सेंटर लेवल पर, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हो, ऑप्शन सी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो यहाँ पे डायरेक्टली लेकर आया था, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की थी सेंट्रल लेवल पर। ओके, मूविंग ऑन, दूसरा पंच, साइमन कमीशन केम इन कब, जो है साइमन कमीशन कब आया था, 1889, 1937, 1927 या फिर 1878। तो अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन सी 1927, देन यू आर राइट, साइमन कमीशन जो है 1927 को आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री और पंच नंबर थ्री, डिशू इन विच आर्टिकल राइट टू लाइफ हैज बीन डिस्कस्ड, आर्टिकल 39, आर्टिकल 23, आर्टिकल 10 या फिर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो भैया आर्टिकल 21 मार के आना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन चौथा पंच, डिशू प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट हैज बीन मैंशनड थ्रू, किस आर्टिकल से प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 कर लेना इसे, आर्टिकल 63 या फिर आर्टिकल 64। तो जो आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट की बात करता है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा पंच पॉलिटी से, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1976, 1956, 1986 या 1946। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था कब, अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन डी 1946, देन यू आर वेरी वेरी राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स से, अब आपको पांच पंच अगेन, ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं पे, पंच खा खा के मज़ा आ रही है ना, अगर मज़ा आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में मैंने बोला है जो, तो वो रिस्पॉन्स जरूर करना, तभी आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी, पांच का पंच, पंच परमेश्वर सीरीज वाली, ठीक है। तो पहला पंच, प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय द पीएम, किस पीएम ने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया था, तो भैया राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप इस पहले पंच का आंसर देखोगे, इस पहले पंच को फील करोगे, तो आपको जो दर्द महसूस होगा वो दर्द होगा नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया था। नेक्स्ट दूसरा पंच, खाने के लिए तैयार हो जाइए और बताइएगा दर्द हुआ या नहीं हुआ। नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया था, रिप्लेस्ड बाय की जगह आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है तो बाय हटा दीजिए, नीति आयोग रिप्लेस्ड बस ये होगा। तो किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, प्लानिंग कमीशन को, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग जो है आपका आया था। तीसरा पंच आराम से लीजिए दर्द के साथ में, क्वेश्चन नंबर थ्री, पंच नंबर थ्री, नीति आयोग केम इन, भैया डेट इसकी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2008 पहला ऑप्शन, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2019 ऑप्शन सी, या फिर 1 जनवरी 2020 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 जनवरी सभी में है, बाकी जो ईयर है वो चेंजेस हैं। ओके, तो याद रखना, इस पंच का जो दर्द है, इस पंच का जो मरहम अगर आपको चाहिए, इस पंच का जो दर्द आपको दूर करना है, तो वो दवा है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, पंच नंबर फोर, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, किससे यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलेट करती है, आरबीआई से, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से, फिनेंस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो इस पंच का अगर आप दर्द का जो है इलाज ढूंढेंगे, उपचार ढूंढेंगे, वो जो पेन किलर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप पी लीजिए और इस
क्वेश्चन को, इस पंच को जान लीजिए, पहचान लीजिए। जब भी ये क्वेश्चन नंबर फोर या पंच आपके सामने आए तो आप ये जो आपको मरहम दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रूप में आप जो है इसका उपचार करेंगे, यही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, पंच नंबर फाइव, हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। हु अपोज्ड लिखा है प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पीएम मोदी या फिर राजीव गांधी। तो अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, देन यू आर राइट, वेरी गुड। तो यही थे आपके पंच परमेश्वर। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ईबुक से एक छोटा सा सपोर्ट अगर आप देना चाहें तो हमें दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ हमारी पंच परमेश्वर आगे कंटिन्यू रहे और हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऐसे ही आपको पंच के दर्शन करवाते रहें, पंच परमेश्वर के दर्शन करवाते रहें, आपको पंचेस देते रहें, आपको दर्द और उसका उपचार दोनों ही बताते रहें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी सीरीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी एक छोटा सा अगर आप सपोर्ट देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस ईबुक को लेकर आप सपोर्ट दे सकते हैं। फैमिली में ना तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिन में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। रिलेवेंट कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, CUET में हमारी क्लासेस जो है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी माशाल्लाह ऊपर वाले की दया से एक अच्छी हमको वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कैसे होता है। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, बाकी कमेंट का ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। रिविज़न ही एक ऐसी दवा है जिसके थ्रू आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपका मर्ज़ है कन्फ्यूजन वाला, वो दूर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर एक वीडियो को, हर एक सेशन को, हर एक क्लास को कम से कम 10-12 बार देखिए, हर एक क्वेश्चन को पी जाइए और उसको अपने दिमाग में बैठाए रखिए। अच्छी सी नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर रेस्ट करिए। कहीं भी फालतू आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। वो लम्हा याद करिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने माता पिता को बोलोगे कि देखिए मैंने अपने दम पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में खुद से तैयारी करके 24/7 CA जोन, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस फैमिली से जुड़ के हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और इस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया, अपनी सीट अपने दम पर बुक की है। आपके माता पिता भी खुश होंगे आपसे और आपको और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देंगे। बाकी हमारा तो आशीर्वाद, हमारी फैमिली का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बना रहेगा। और आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छा सा जो है आप अपना माहौल क्रिएट करिए। जो भी आपके पास टाइम अभी है उसको आप इन्वेस्ट करिए, वेस्ट मत करिए। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पढ़ के, ऑफ कोर्स। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।